अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बेटी इवांका ट्रंप, पत्नी मलानिया ट्रंप और दामाद जेरिड कुश्नर भी भारत आए हैं। जेरिड कुश्नर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। इनका जन्म 10 जनवरी 1981 को यहूदी परिवार में हुआ। दामाद का 1999 में इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद 1999 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इसके बाद 2003 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली, फिर 2007 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली। जेरिड कुश्नर एक अमेरिकी इन्वेस्टर, रियल इस्टेट डेवलपर और न्यूज़पेपर पब्लिशर हैं। वर्तमान में अपने ससुर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के सीनियर एडवाइज़र के रूप में कार्यरत हैं। इवांकस और जेरिड की शादी 25 अक्टूबर 2009 को हुई थी। अपनी शादी से 3 महीने पहले ही उन्होंने सगाई कर ली थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। जब दोनों की शादी हुई उस समय इवांका 27 साल की और जेरिड 28 साल के थे। जेरिड ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी से पहले इवांका ने खाना तक नहीं बनाया था, लेकिन शादी के बाद वह एक अच्छी कुक बन गई हैं। हर शुक्रवार व रात के डिनर की तैयारी करती हैं। इवांका ने एक इंटरव्यू में बताया था, हम दोनों की पहली मुलाकात एक बिजनेस डील की जैसी थी। वह बिल्कुल भी रोमांटिक डेट नहीं थी। दोनों अपने एक म्यूचुअल दोस्त के माध्यम से एक ऐसी जगह मिले थे जहां बिजनेस की बातें हो रही थीं। दोनों को एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। दोनों में इस रिश्तों को लेकर अफवाहें भी उड़ीं। बढ़ती अफवाहों के चलते दोनों ने 2007 में एक पार्टी में एक साथ डांस करने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने उसी साल अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। इवांका और जेरिड कुश्नर को धर्म का सामना भी करना पड़ा था क्योंकि जेरिड का परिवार यहूदी है। 2009 में इवांका ने यहूदी धर्म में परिवर्तित हुई और दोनों की शादी हो गई। हालांकि धर्म परिवर्तन से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं थे। उनका कहना था, आखिर क्यों मेरी बेटी को किसी से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत है।